me falta mucho por delante, me despido. देखो विभिन्न प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं पढ़ी थी हमने, ग्रेजिंग फूड चेन, पैरासिटिक फूड चेन, सेप्रोफिटिक या डेट्रियस फूड चेन। सारी खाद्य श्रृंखलाओं को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए और वो एक दूसरे पर डिपेंड हो जाए भोजन के लिए, तो ऐसा एक जाल बन जाता है जीवों का, जिसे क्या बोला जाता है, खाद्य जाल बोला का जाता है, खाद्य जाल या फूड वेब कहा जाता है। इसके अंदर प्रोड्यूसर से लगा के डीकंपोजर तक सभी जीवों का आपस में इंटररिएक्शन हो सकता है। किसी पर्टिकुलर जैसे प्राइमरी कंज्यूमर्स का, सेकेंडरी का, इनका जरूरी नहीं है, एक दूसरे से कोई भी जुड़ा हुआ हो सकता है। यानी एक पर्टिकुलर जीव है वो दो या दो से तीन या उनसे भी अधिक जीवों पर क्या रह सकता है, अपने भोजन के लिए डिपेंड यानी आश्रित रह सकता है। तो ऐसा जाल बनाएंगे हम जिसका नाम होगा खाद्य जाल। लिखिए इसमें इकोसिस्टम में गुड मॉर्निंग रचना, इकोसिस्टम में खाद्य श्रृंखला एक दूसरे से जुड़कर जाल बनाती है, एक दूसरे से जुड़कर जाल बनाती है, जिसे फूड वेब कहा जाता है, फूड वेब कहा जाता है। दूसरी डेफिनेशन लिख सकते हो अथवा लगा के, कल क्लास थी आशीष पर चली नहीं, नोट सेंड कर दिए थे ना आपको, 20 मिनट लेट हो गए थे ऑनलाइन के चक्कर में, फिर चली नहीं, थोड़ा सा टॉपिक करवाया था, नोट्स अवेलेबल हो गए होंगे आपको, तीन टाइप ही करवाए थे बस। दूसरी डेफिनेशन लिखो, अनेक खाद्य श्रृंखलाएं, अनेक खाद्य श्रृंखलाएं जब एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, अनेक खाद्य श्रृंखलाएं जब एक दूसरे से जुड़ जाती है, तो इसे फूड वेब कहा जाता है, तो इसे फूड वेव कहा जाता है। प्रकृति में साधारण खाद्य श्रृंखलाएं बहुत कम हैं। प्रकृति में साधारण खाद्य श्रृंखलाएं बहुत कम हैं। इसमें प्रत्येक जीव एक से अधिक ट्रॉफिक लेवल से भोजन प्राप्त करता है। अनेक से अधिक ट्रॉफिक लेवल से भोजन प्राप्त करता है। दूसरे शब्दों में एक जीव उच्च ट्रॉफिक लेवल के एक से अधिक जीवों का भोजन बनता है।
एक से अधिक जीवों का भोजन बनता है। यानी एक पर्टिकुलर जीव है वो किसी एक के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है, उसको एक से अधिक ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी देने के लिए भोजन का भोजन के रूप में शिकार बनना पड़ता है। जैसे एक प्लांट है उस पे देखो कितने सारे जीव है वो क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। तो एक अकेला प्लांट है वो एक पर्टिकुलर जीव के लिए भोजन थोड़ी बनता है, यानी एक जीव है वो बहुत सारे जीवों का भोजन बनेगा और आगे वही जीव है वो भी आगे बहुत सारे जीवों का क्या बनता है, भोजन बनता है। तो इस प्रकार से खाद्य जाल का निर्माण होगा, ना कि एक अकेले एनर्जी फ्लो को हम चला दें एक ही ट्रॉफिक लेवल में। ट्रॉफिक लेवल समझते हो ना आप, प्रत्येक स्तर। तो एक पर्टिकुलर जीव है वो बहुत सारे ट्रॉफिक लेवल में जाके एनर्जी को क्या करता है, फ्लो करता है। जैसे जैसे ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है वही ग्रास घास देखो कितने सारे ट्रॉफिक लेवल में जाता है। एक ग्रास को ग्रास ऊपर खा सकता है ना, जो आपने देखा होगा। और इसी ग्रास ऊपर को कौन खा सकता है, हॉक, बाज खा सकता है ना। अब इसी टाइप से एक अकेला ग्रास है वो केवल ग्रास ऊपर के पास नहीं जाता है, ये जाएगा। अब ये ग्रास ऊपर है, इसको लिजार्ड भी खा सकती है। तो एक अकेला जीव है ग्रास ऊपर, वो बहुत ट्रॉफिक लेवल में जा सकता है और इस लिजार्ड को वापस कौन खा सकता है, हॉक, बाज। ऐसे ही ग्रास रैबिट खा सकता है ना, और इस रैबिट को हॉक, बाज खा सकता है। इसी टाइप से ग्रास का ट्रॉफिक लेवल देख सकते हो, माउस, माउस को खा सकता है स्नेक, और स्नेक को कौन खा सकता है, हॉक यानी बाज। यही बात हमने लिखी है कि एक जीव एक से अधिक ट्रॉफिक लेवल का भोजन बन सकता है, या एक जीव एक से अधिक ट्रॉफिक लेवल से क्या कर सकता है, भोजन प्राप्त कर सकता है। यहां बाज देखो विभिन्न प्रकार के ट्रॉफिक लेवल से क्या कर सकता है, अपना भोजन प्राप्त कर सकता है। और एक अकेला जीव है वो किसी एक ट्रॉफिक लेवल पे कभी भी डिपेंड खाद्य जाल में नहीं रहता। अगर अकेले पे रहेगा तो वो खाद्य जाल ना कह करके उसे क्या बोलना पड़ेगा, हमें खाद्य श्रृंखला कहना पड़ता है। बस यही फर्क है खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला। हाँ जी, आगे लिखिए। इस प्रकार ग्रासलैंड इकोसिस्टम में रैबिट की एब्सेंस में ग्रास को माउस भी खा सकते हैं, माउस भी खा सकते हैं, तथा माउस को स्नेक की बजाय इसे डायरेक्ट हॉक, बाज भी खा सकते हैं।
ऐसी कंडीशन में बाज प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से माउस से अपना भोजन प्राप्त करता है ये कंडीशन यहां देख सकते हो आप। अगर रैबिट एब्सेंस है तो घास को कौन खा सकता है? माउस खा सकता है। अगर माउस है उसको स्नेक खाएगा और स्नेक को बाज खाएंगे तो भी उनको अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट रूप से बाज को भोजन किससे मिला? माउस से मिला ना। और माउस बिना स्नेक के डायरेक्टली भी बाज का शिकार है, वो बन सकते हैं। तो बेसिकली यहां हम देख सकते हैं कि बाज को प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से भोजन कहां से मिलता है? चूहों से। तो ये एक वैकल्पिक पाथवे भी बन सकता है, अल्टरनेट है ना। तो लिखो इसमें, ऐसे में ऊर्जा प्रवाह के, एनर्जी फ्लो के वैकल्पिक पाथवे पाए जाते हैं, अल्टरनेट पाथवे पाए जाते हैं जिसके कारण इकोसिस्टम के सभी जीव एक दूसरे से एक जाल के रूप में बंधे रहते हैं जिसे फूड वेब के नाम से जाना जाता है इस प्रकार फूड वेब के जीवों में मल्टी डायरेक्शन रिलेशन पाया जाता है, बहुदिशीय संबंध। फूड वेब के जीवों में मल्टी डायरेक्शनल बहुदिशीय संबंध रिलेशन पाया जाता है। एक इधर रिलेटिव है तो दूसरा कोई और दिशा में, तीसरा कोई और दिशा में। इंपॉर्टेंस क्या होती है जी? अगर बात की जाए कि खाद्य जाल की महत्वता क्या होती है एक इकोसिस्टम के अंदर, पर्टिकुलर जीव और एक इकोसिस्टम की संरचना की स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए, यानी एक की कमी होती है तो दूसरे जीव उसकी जगह ले लेते हैं। जैसे रैबिट की कमी है तो घास बढ़ने नहीं दिया जाएगा, कौन खा सकते हैं? माउस और ग्रासहॉपर। एक की कमी है तो ऐसा नहीं होता कि स्टेबिलिटी, स्थायित्व गायब हो जाएगा, उसकी कमी की पूर्ति दूसरे जीव है वो कर लेते हैं, क्योंकि उसकी जगह वो काम है कर सकते हैं। तो लिखिए ने अगली लाइन से, इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी तथा बैलेंस बनाए रखने के लिए फूड वेब की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है फूड वेब की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है
जैसे जैसे एक इकोसिस्टम में अचानक फर्स्ट कंज्यूमर जैसे रैपिड की संख्या में कमी होने पर दूसरे फर्स्ट कंज्यूमर के रूप में चूहों की संख्या में ग्रोथ हो जाती है और माउस सेकेंडरी कंज्यूमर को अगर अधिक प्रिय हो जाए तो इनकी संख्या वापस कम हो जाती है। और इस दौरान फर्स्ट सीरीज के कंज्यूमर रैबिट अपनी संख्या को फिर से बढ़ा लेते हैं हुआ ना अल्टरनेट पाथवे। अचानक एक इकोसिस्टम में रैबिट की कमी है तो माउस बढ़ेंगे, ऑब्वियसली हमको भोजन मिलेगा। और ये माउस है वो माउस की के बात है पता नहीं चूहा के माउस का नाम। और ये माउस है वो आगे वाली सीरीज को अगर अधिक प्रिय हो जाए तो इनकी संख्या, इनका भक्षण ज्यादा होगा तो इनकी संख्या कम हो जाएगी, और इसके अपोजिट वापस से रैबिट की संख्या है वो बढ़ जाती है। तो अल्टरनेट पाथवे पाया जाता है। सर मैं पहली बोला बताइए हमें भी ऐसे हो रहा है, ऐसा क्या हो गया? क्या कह रही है? अब इसको बनाते हैं। ऊपर भी बनाऊंगा नीचे भी बनाऊंगा। प्रोड्यूसर्स फूड वेब बनाना है, जैसे ग्रास हो सकता है, ट्री हो सकते हैं, और नीचे की तरफ रहते हैं, इन पे डिपेंड डीकंपोजर। सिग्निफिकेंस करेंगे हम फूड उनका चेन का। हाँ जी आ जाएगा।
डीकम्पोजर तो सब पे डिपेंड रहेंगे, तो नीचे नीचे लिख दो, बाकी आगे लिखेंगे हम ग्रास ऊपर। इसके अलावा माउस, इसके अलावा घास को कौन खा सकते हैं? रैबिट। इसके अलावा खा सकते हैं डियर, हिरण। इतनी पर टिपिकल हिंदी तो मुझे कभी आई नहीं और नहीं कभी आएगी। ऊपर की कौन है? ऊपर क्यों नहीं आएंगे, कंज्यूमर बढ़ेंगे ना। ग्रास ऊपर को फ्रॉग खा सकते हैं क्या? ग्रास ऊपर स्नेक, ये भी खाए जा सकते, स्पेरो है, सिप भी है, सिप बेड है, बेड है अच्छा ना मैंने। हाँ वो तो घास पे डिपेंड है ना। हाँ बड़ा जल्दी हो गया आज तो, सच में नहीं हुआ। टॉप कंज्यूमर पे गए हैं क्या? हाँ नीचे यही आएगा। मुकेश एक गोन क्या होती है? गोन तो यार बकरी हो जाती है। मैं तो तन कौन खाऊ तो वो मेरा नाम मोनू हो तो बॉर्डर को नहीं करो। हाँ तो मन तो मोनू को प्रक्रिया तो मन को कह गए बबलू मैं गाँव में जा रहा हूँ मेरा नहीं हो गया गोन। हाँ अब बबलू ने बिल्कुल नहीं गोन किन के गोन तो यार बकरी ने कह क्या तुम मोनू बकरी क्या खेला हूँ मैं गोन। स्नेक को हो खा सकता है। अच्छा मैं रुक जाऊं?
ओके जी, फ्रॉग सर बीट और हमें शीशा के कुछ करिए ये क्या है अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ना हो तो ऐसे कर फर्स्ट ग्रेड का तो बीट चाहिए या कुछ चाहिए किसने कह दिया सेकंड ग्रेड के लिए चाहिए थर्ड ग्रेड के लिए भी चाहिए जिसने बीएसटीसी नहीं की ऊपर ही ऊपर लिख लेना टाइगर बी एड को जेबीटी नहीं बोलते बीएसटीसी को बोलते हैं कोई फायदा नहीं है उसमें वो एक पेपर क्लियर ना हो तो जेबीटी का फायदा ही नहीं है होता तो है वो मैं मम्मी है शिवानी की सर आप तो बैठा वीकेंड से आवे बहुत कम कर हां है सर मैं मम्मी है शिवानी की तो बैठ के सर जो वो डब्लू की है ऑल डब्लू ओ डब्लू उल्लू उल्लू और लिखियो मतलब अच्छा फल हो गया तो सर 12 मिनटा लगभग 88 बचे हैं फिर बार डीबीटी कर ली ऐसे मामी को ब्याह कर दिया जाए यहाँ इंटेलिजेंस है मामी बे यहाँ बोले जी सीधा बोले कि मुकेश में कुआं मार तो बैठा करता जेबीटी करे हम नौ बिल्ला यूनियन में नंबर ही बते रह गया तो नंबर तो मैंने तेरा बते रह गया 89% का फिर अब हम बीए करी ऐसे सर वहाँ पेपर दिए थे सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड वहाँ कोनी फिर बेसिक कर गया फिर ही कोनी कम के मेरे तो अंतर आगे छोड़ दियो किसी जीवित दिख रही है एना वो तो मैं बीए कर लेन तीन ही ब्याह जा सकती तो गिद्ध को क्या बोलते हैं गिद्ध को गिद्ध को वो नहीं बोल रहे हैं चेक करो जल्दी से ईगल ईगल बाज होता है ईगल तो हॉक या ईगल गुर्जी कैसी थी गुर्जी में क्या ये गिद्ध ही गिद्ध को इंग्लिश में क्या कहते हैं गिद्ध गिद्ध वल्चर कुलदीप सिहा क्या बोल रहे हो आप सर वल्चर का वी ए एल टी आर ई टी यू आर ई वी यू एल टी यू आर ई हाँ ये मैं बोल रहा हूँ हाँ जी रोटी का प्रॉब्लम कर रहा है वो राइजो पर से या अमेरिका से राइजोपस अगेरिकस वो कुंडी वाला है म्यूकर अगेरिकस तो राइजोपस हाँ अगेरिकस भी तो है फंजाई समट और समट हो तो अस्टिलेगो है एरेस्ट गो है पक्षी नहीं है ऐसा क्यों कुछ है वो तो अगेरिकस का पूछ रहे हैं हाँ वो म्यूकर सांप की छतरी सांप की वो म्यूकर म्यूकर नहीं है गैरिकस सांप की छतरी अलग है रोटी का नहीं है वो राइजोपस ही होगा ब्रेड का तो एक सेकेंड ये लीजिए जी एक हो है जब खून बाहर लगा है सब्जी बदल मैं खून
कल का अपना टॉपिक रहेगा एल्टोनियन पिरामिड, एल्टोनियन एनर्जी पिरामिड, इकोलॉजिकल नहीं, इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे एक बार। पिरामिड टॉपिक अलग ही है, एनर्जी फ्लो अलग है, बस ये साइकिलिंग मटेरियल साइकिल साइकिल पढ़ने हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस, एक वो क्या नाम है उसका, सल्फर तो है, एक वो बड़ा सा जैव भू रासायनिक चक्र। नाइट्रोजन वाला तो लगभग आता ही आपको। हो गया क्या? और क्या सुने कुलदीप? बढ़िया है, आप बताओ। अब लिखिए जी सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन, फूड वेव का तो साथ में ही कर लिया ना, टॉपिक पहला यही था अपना फूड वेव और फूड चेन, तो अब करना है सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन, खाद्य श्रृंखला का महत्व। खाद्य श्रृंखला का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस तो यही है, जीवों के अंदर सबसे बड़ी यही देख सकते हैं कि कैसे एक दूसरे पर निर्भर है, क्योंकि ट्रॉफिक लेवल की एक ही लाइन चलती है, कौन सा जीव किस पे मोस्टली डिपेंड रहता है। तो लिखो पहला पॉइंट, फूड चेन के अध्ययन से किसी भी इकोसिस्टम में, फूड चेन के अध्ययन में अध्ययन से किसी भी इकोसिस्टम में जीवों के मध्य फूड रिलेशन, खाद्य का संबंध, फूड रिलेशन तथा उनके बीच इंटररिएक्शन को समझने की सहायता मिलती है। कोई भी इकोसिस्टम हो, ग्रासलैंड, डेजर्ट, एक्वेटिक, उनके जीवों के अंदर फूड रिलेशन क्या है और उनके बीच इंटररिएक्शन क्या है, उनको समझने में सहायता मिलती है। और एक हम ये पढ़ सकते हैं ना, ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, लिखो तो सेकंड पॉइंट, फूड चेन के अध्ययन द्वारा इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो का अध्ययन किया जा सकता है, एनर्जी फ्लो का, ऊर्जा प्रवाह का
अध्ययन किया जा सकता है। अगला पॉइंट है, किसी भी इकोसिस्टम में टॉक्सिक सब्सटेंस, विषैले पदार्थों की गति, विषैले पदार्थों की गति तथा जैविक वृहदकरण, ये नाम सुना है कभी, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, क्वेश्चन आता है इस पे, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, जैविक वृहदकरण की समस्या को समझने में सहायता मिलती है। जैविक वृहदकरण को समझने की सहायता मिलती है। 2015 में इसकी डेफिनेशन पूछी गई है, जैविक वृहदकरण क्या है। देखो लाइन पूरी पढ़ के देखो, किसी भी इकोसिस्टम में विषैले पदार्थ किस मोशन से पहुंचते हैं और उसके द्वारा होने वाली बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की समस्या के अध्ययन में क्या मिलती है सहायता। जैसे हम डीडीटी का छिड़काव करते हैं ना, हाँ डीडीटी का छिड़काव करते हैं तो वो एक विषैला पदार्थ है, लेकिन छिड़काव करना पड़ता है, लेकिन वो धीरे धीरे वर्षा होती है तब एक जगह पे जाके क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, तो वहां के जो जलीय जीव हैं उनके अंदर रेस्पिरेशन से रिलेटिव व्याधियां उत्पन्न होती है जिससे उनका दम घुट जाता है और उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो जीवों की कमी हो जाना ही क्या है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की प्रॉब्लम है। जैसे एग्जाम्पल लिख लो फिर समझ में आ जाएगा, जैसे कई जहरीले पदार्थ नेचर में सेल्फली स्वम तो नहीं पाए जाते हैं, कई विषैले पदार्थ नेचर में स्वम नहीं पाए जाते हैं, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी के कारण इन्हें विभिन्न ट्रॉफिक लेवल के जीवों में, विभिन्न ट्रॉफिक लेवल के जीवों में स्थापित कर दिया जाता है, स्थापित कर दिया जाता है और इनका विखंडन भी जीवों में नहीं होता, और इनका विखंडन भी जीवों में नहीं होता है। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अपशिष्ट पदार्थ के रूप में, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में इन्हें बाहर त्याग दिया जाता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में इन्हें बाहर निकाल दिया जाता है या त्याग दिया जाता है। नई लाइन से लिखो, यदि फूड चेन के जीवों द्वारा इनका स्टोरेज हो जाता है, यानी वो संग्रह कर ले अपनी बॉडी में, फूड चेन के जीवों द्वारा इनका संग्रह हो जाता है तो ये एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, यानी शाकाहारियों से मांसाहारियों में, मांसाहारियों से उच्च मांसाहारियों में, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में गमन करते हुए
गमन करते हुए उनके टिश्यू में संग्रहित हो जाते हैं, उत्कों में, उनके उत्कों में संग्रहित हो जाते हैं। जो हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करते हैं, हार्मफुल इफेक्ट ओरिजिन करते हैं। इस प्रकार विषैले पदार्थों का, टॉक्सिक सब्सटेंस का ट्रॉफिक लेवल के जीवों में, ट्रॉफिक लेवल के जीवों में अधिकाधिक पहुंचना, अधिक से अधिक या अधिकाधिक पहुंचना बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहलाता है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहलाता है। बात हुई क्लियर? शॉर्ट नोट आता है इस पे कई बार, जैविक वृहत्करण पे टिप्पणी लिखो, कर दोगे? और एग्जांपल डीडीटी का ले सकते हो। और नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना, चार हेडिंग लगवाई है ना मैंने स्टार्टिंग में, फूड चेन और फूड वेव, और दो नंबर अपनी हेडिंग रहेगी इकोलॉजिकल पिरामिड या एल्टोनियन पिरामिड, क्योंकि एल्टन ने सबसे पहले इन पिरामिड की क्या की थी, खोज की थी, इकोलॉजिकल पिरामिड। सर किशो पिरामिड उल्टो हो गए, संरचित हो गए, एनर्जी फ्लो का एक उल्टो हो गए। वो तो डिपेंड करता है कि हम कौन सा ले रहे हैं, वो ट्री इकोसिस्टम का होता है, क्योंकि ट्री एक अकेला बड़ा है प्रोड्यूसर के रूप में, उस पर बहुत सारे इंसेक्ट है, वो डिपेंड रहते हैं, तो इंसेक्ट के नंबर ज्यादा होते हैं, प्लांट एक अकेला होता है, तो उल्टा हो गया। और ये पढ़ेंगे हम कल। जो लोग सांवले होते हैं उनकी पिक्चर बहुत अच्छी आती है, मेरा तो एक्सप्रेशन ही बहुत गंदा है। हां मेरा भी ये मुझे लग रहा है अंदर पड़वा के बैठा है। ऊपर काट दियो इसे। अरे अब तो कर दो कोई मैसेज है, अभी शुरू नहीं हो रही सर, हमारे पास ऑर्डर नहीं है मैसेज के। अरे यहां कर दो इस पे, इस पे क्या दोबारा ऑन करो ना, ऑन तो पड़े हुए हैं।
सिद्ध मतलब फायर में अपना सॉफ्ट करता ही वो जो के लाइट भी तो जगी है फोन ना न्यू ना हो सर चिल्का पड़ता रहेगा चलो सर आज का ना भाई किसको ऑनलाइन आना बंद कर दो हां तो ऑनलाइन क्लास बंद कर दो आज के लिए छुट्टी है मैं बढ़ा दियो के सिलेबस बताया था नेटवर्क प्रॉब्लम है बेटा ऐसे बोल देना हां और फोटो खींच के भेज देना ये अपन बटन तो क्या बोलो बहन ते पहले क्यों गया आ खाली में डंबल की क्या जी डंबल की क्यों फिर टाइम उठे पे लगी की ना ना बीच में लग दिया खोली अरे इसको कौन लग रही है वो सटा अच्छा पट्टी तो रेडी होती मान रखी है बंद नहीं पड़े तो नहीं हो रही क्या जरूरी है कोई हां जरूरी है कौन नहीं हो वॉलीबॉल खेलना जरूरी बहुत ज्यादा नहीं है सर क्या मैंने कह रहे जी कह रहे अच्छा लग रही है आज चले नहीं जैसे स्कूल जरूरी थोड़ी है जी कह रहे जी सेंटर में खेल ना हल्ला होने क्या करूं मैं अब सेंटर में भी नहीं हल्ला मैंने तो बस यही है छोटा आज भी तो सिलेबस ही बस ऑनलाइन आ रहा देड़ो की जरूरी है ऑनलाइन वालों को ही तो जरूरी है क्यों मैंने जरूरी करना तो उनकी कथाया मैं कदाया 1 घंटा होगी वेट कर हर बात कुछ ही भाई कौन बताई थी सर साहब बता दियो सिर्फ बात कौन सी बात है कोई लड़की सर यहां के वा कह के छोरियां तो बस रोटी पोने हुई काम हुए वे बस बीतो कर बो कर छोरा के कर छोरा सागे साल फटाफट ही से तवला तवला बांडा मांस दे तुम मन की बात है जिंक तुम मन की गलत लगी रोटी पोने पड़े हां गलत कौन लगी काम करनो गलत तो बांडा तो नहीं सोनो पड़ा कोई लाज में देख नॉर्मल सी बात है दोनों जॉब में हुए नहीं अरे करवा तो स्टार्ट किसी बात ही क्या करनी मानना तो नहीं आ रहा कुछ कर दूंगा देर हम सी के नीचे किससे मंगवाया था क्या सोचा था कुछ भी नहीं हुआ आज और दूसरी बात में बाजी यही मैंने पता है क्या सोचा था आज ना पूरी बुक की बता दूंगा मंडे से लिखवाना शुरू कर दूंगा मैंने क्या फोन लेके बैठी मैंने अब गुस्सा आने लग गया